ईयर वैक्स यानी कान का मैल, इसको लेकर लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। कान में वैक्स बनता ही क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसको साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर साफ ना करें तो क्या ये बहरेपन का कारण बन सकता है, अगर साफ करें तो कब करें, कैसे करें, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपकी इस वीडियो में मैं लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में। ये आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और पूरा देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ईयर वैक्स होता क्या है। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे कान के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनसे रेगुलर बनता रहता है और ये आपको कई फायदे भी पहुंचाता है। ईयर वैक्स के दो टाइप्स होते हैं, ड्राई और वेट। ड्राई वैक्स ज्यादातर एशियन पॉपुलेशन में देखा जाता है, जैसे हम हिंदुस्तानी के कान में ज्यादातर ड्राई वैक्स होता है, जबकि वेट वैक्स वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज्यादा होता है। आपके कान में कैसा वैक्स बनता है कमेंट्स में जरूर बताएं। हम कुछ भी कहें, ईयर वैक्स है तो हमारे लिए फायदे की चीज, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसको साफ ना करें तो ये गंदा भी लगता है, लोगों की नजर में आप अनहाइजीनिक लगते हैं। एक्चुअली ईयर वैक्स आपके कान को बाहरी धूल मिट्टी से और दूसरे कुछ खतरों से भी बचा के रखता है, साउंड एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन से भी बचा के रखता है। ये आपके कान के अंदर की जो स्किन है उसको मॉइस्चर करके रखता है, जिससे ड्राइनेस और इचिंग से बचने में आपको मदद मिलती है, इससे स्किन के अंदर जो इरिटेशन है वो भी नहीं होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईयर वैक्स एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एजेंट की तरह से काम करता है। तीसरा जो होता है, देखिए, प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करता है। ईयर वैक्स का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये कान के अंदर की स्किन जो है उसको डस्ट, डर्ट या फॉरेन पार्टिकल से बचाने में मदद करता है, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है। ईयर वैक्स के अंदर सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म भी होती है। कान का मैल अपने आप को क्लीन करने की एबिलिटी रखता है। जब आप हर बार कुछ च्यू करते हैं या कुछ खाते हैं, चबा के खाते हैं, तो ये नेचुरली बाहर की तरफ निकलता है, जिसके साथ जो धूल मिट्टी जमा होती है, डेड पार्टिकल्स थे, वो भी बाहर निकल जाते हैं। ये आपके सुनने की एबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ईयर वैक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑल्सो। ईयर वैक्स का कलर और टेक्सचर आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है। अगर आपका ईयर वैक्स बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये डिहाइड्रेशन की या हाइपोथायराइडिज्म और स्किन की कुछ डिजीज है, जैसे एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की निशानी हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ भी कान का जो वैक्स है वो ड्राई होने लगता है। ये तो सब हमने ईयर वैक्स के फायदों की बात कर ली, लेकिन ईयर वैक्स आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है, मगर कब, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जब कान में वैक्स एक्सेस में बनने लगता है और ठीक होकर ड्राई हो जाए तो ये कान को ब्लॉक कर सकता है, इससे आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है। वैक्स के कारण कान ब्लॉक होने से आपको बहुत तेज कान दर्द भी हो सकता है, कान में सूजन भी आ सकती है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है और बड़ों में भी कई बार कान में वैक्स होने की वजह से काफी दर्द होता है। अगर आपको कान में वैक्स बन जाता है, दर्द करता है, तो ऐसा होने पर आपको वैक्स निकलवाने के बाद ही राहत मिलती है या फिर डॉक्टर आपको कुछ ईयर ड्रॉप देता है जिससे ये वैक्स बाहर घुल के बाहर निकल जाता है, फिर आपको राहत मिलती है। अगर आपको लगता है कि सुनाई देना कम हो रहा है, इसका कारण ईयर वैक्स भी हो सकता है, इसको इग्नोर ना करें। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अगर कान ब्लॉक हो गया ईयर वैक्स के कारण, तो बहुत सीधी सी बात है, खुद से कुछ ना करें, अपने आप से वैक्स को बाहर निकालने की कोशिश खतरनाक भी हो सकती है, आपके कान का पर्दा भी फट सकता है। हाँ, आपको कान की बाहरी हिस्से की सफाई कर सकते हैं कॉटन स्वैब से या ईयरबड से, लेकिन इसको डीप ना जाए, डीप जाने से नुकसान हो सकता है। या किसी भी तेज ऑब्जेक्ट, माचिस की तिल्ली या पिन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कान के अंदर इंजरी कर सकता है और जैसे पहले कहा, आपका कान का पर्दा फट भी सकता है, आप बहरे हो सकते हैं। दूसरा, देखिए, वार्म वाटर से ईयर वैक्स साफ करना, रिंस करना, ये एक बहुत ही आम सी बात है, ये नेचुरल और एक सेफ तरीका भी होता है, डॉक्टर भी करते हैं इसको। इसलिए अगर आपको लगता है कि कान में ज्यादा वैक्स हो गया है तो खुद से ये सब ना करके आप ENT डॉक्टर की सलाह लेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जिनसे वो सेफली ईयर वैक्स को बाहर निकाल सकते हैं और आपका कान भी सेफ रहेगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो जाती रहेगी। सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर आपके ये लक्षण आते हैं जो मैं नीचे बता रहा हूं,
तो फिर फौरन आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जैसे सुनने में दिक्कत होने लगे, कान में बहुत तेज दर्द हो, कान से पानी या मवाद आने लगे, या कान से बदबू आ रही हो तो, और साथ में कई बार अगर चक्कर भी आ रहे हो, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप देर करेंगे तो ये नुकसान का कारण बन सकता है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। और कान में पानी बिल्कुल ना जाने दें, खासतौर से स्विमिंग पूल का पानी तो कान के अंदर बिल्कुल भी ना जाए। कान की हल्की फुल्की बाहर से रेगुलर सफाई करें। याद रखें कि आपके कान का जो ये वैक्स है वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन एक्सेस में आपको दिक्कत कर सकता है, तो तब आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी भरी लगी हो, आपके काम की रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।